हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क बारहवीं के अंदर। ये मोल्ड देख सकते हैं, ये हमारा ब्लू मोल्डिंग का कैविटी है जिसका आज हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसा बनाते हैं। लेकिन अभी हमारे मॉडल है, अभी हम लोग इसमें चेक करेंगे कि हमारा रेडियस, अंडरकट, डिग्री किधर कैसा है, हमको चेक करना पड़ेगा। तभी हम लोग इसका क्या करेंगे, 3D प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम लोग पहले चेक करेंगे इसके अंदर रेडियस, जाते हैं रेडियस में, ड्रॉ में मॉडल्स। अब इधर अभी हमारा 0.5 डाला है, मतलब 0.5 में सब जगह रेडियस। रेड किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रेडियस, किधर भी नहीं दिख रहा है आर, रेड नहीं दिख रहा है। मैं एक सिंपल इसमें 5 mm डाल देता हूँ। 5 डालते ही आपको सब दिख रहा है कि हमारा ये रेडियस अभी इधर नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा इससे बड़ा भी रेडियस ये है। तो मैं सीधा इसमें काम करता हूँ, 20 डाल देता हूँ। जैसा मैं इसमें 20 डालूंगा तो देख सकते हैं कि सब जगह रेड दिखने स्टार्ट हो गया, मतलब अभी 20 से बड़ा रेडियस कोई नहीं है। तो अभी सब इसमें छोटा रेडियस है। तो मैं क्या करूँगा, 20 से सीधा 15 पे आ जाता हूँ, 15 पे आ जाता हूँ तो भी रेडियस, कुछ रेडियस चला गया। फिर सीधा 10 पे आ जाता हूँ, 10 पे जाता हूँ तो रेडियस चला गया। 5 पे चला जाता हूँ, 5 पे जाने के बाद भी नहीं गया। 3 पे चला जाता हूँ, 3 पे जाने के भी रेडियस गया। 2 पे चला जाता हूँ, 2 पे सब रेडियस निकल गया, मतलब हमारा जितने भी इसमें है 2 का, मतलब 4 का कटर अगर हम लोग चलाएगा तो रेडियस निकल जाएगा। ये जो छोटा दिख रहा है कॉर्नर रेडियस है इस हल्का, इसके लिए अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, अंडर कट। तो ये वाले ऑप्शन में चला जाएंगे, ड्राफ्ट एंगल में। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगल चेक करना है। तो एंगल चेक करने के लिए ये ऑप्शन आ गया। अभी जितने रेड दिख रहे हैं ये सब एंगल अंडर कट नहीं है, आपको रेड दिखना और जीरो दिखना, जीरो ड्राफ्ट। अभी इसमें येलो कलर दिखेगा जैसा, तो आपका समझ लो कि आपका ड्राफ्ट हो गया। तो आपको अभी एंगल चेक कर लो, एंगल आप इसमें डालो। जैसे कि मैं देखता हूँ 5 डिग्री डाल देता हूँ, 5 डिग्री डालते हैं, देख सकते हो कि इधर येलो कलर दिखना स्टार्ट हो गया, मतलब ये 5 डिग्री हमें आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको समझ लो 20 डिग्री कर दे, 50 डिग्री कर दिया, सब जगह येलो दिखने लगा इतना, मतलब ये हमारा 50 डिग्री तक ये सब है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये जो जितने भी रेड सरफेस दिख रहे हैं वो समझ लो कि 0 डिग्री है, उसमें डिग्री है ही नहीं है। और जो अंदर दिख रहा है ये तो अंडर कट है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं उस तरह से, ऐसा कि अंडर कट और डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी अंडर कट भी चेक हो गया, ड्राफ्ट भी चेक हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, अभी इनको प्रोग्रामिंग करना है। इसके अंदर प्रोग्राम कैसे करेंगे, सॉलिड एलिमेंट ब्लॉक है हमारा, ये सॉलिड ब्लॉक है तो हमको इसको रफिंग चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम बना के रखा हूँ। मैं प्रोग्राम इसके लिए बना के रखा हूँ क्योंकि अगर मैं वीडियो साथ में प्रोग्राम बनाता हूँ तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसके लिए इसमें आपको समझाने के लिए ईजी पड़ेगा, जितना जल्दी आप वीडियो छोटा पड़ेगा। तो पहले आपको कौन सा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, रेस्ट कैडलर। कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, मॉडल एयर कलर। मॉडल एयर कलर्स में जाएंगे और इसका रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें जाएंगे, इसके सेटिंग्स में चले जाता हूँ। इसका सेटिंग्स कैसे किया हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कौन सा कटर विशाल चलाया हूँ मैं, तो मैं इसमें चलाया हूँ 25 का कटर। क्यों, क्योंकि तो आपको ये इसका जो डिस्टेंस है इसके अंदर का वो आपको देख लेना है, उसके हिसाब से आपको कटर चलाना है। नहीं आप 52 का चलाएंगे तो नीचे आपका स्टॉक ज़्यादा छोड़ेगा, फिर रफिंग का डालना पड़ेगा, तो आपका कमांड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कटर बार बार चेंज होएगा, टाइमिंग बढ़ेगा, सेटिंग बढ़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से कटर देख रेख के चलाएंगे। ये हो गया, उसके बाद आ जाते हैं इधर का सेटिंग्स दे देता हूँ। सेटिंग्स में क्या दिया, वो 0.5 दिया स्टॉक और जेड में 0.2, स्टेप और 20 का 0.25 का कट दिया हूँ, ये ऑप्शन बंद है। ये भी हमारा सेटिंग्स जो दिया रहते दिया हूँ, ये ऑप्शन को भी बंद कर दिया हूँ क्योंकि प्रोग्राम को बाहर नहीं चाहिए। ये हो गया, इसका कमांड करने के बाद मैंने पूरा पैरामीटर डालने के बाद सेलेक्ट कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मॉडल बना लेंगे। जैसा एक स्टॉक मॉडल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टॉक मॉडल में डाल देंगे तो और रेस्ट कर देंगे, तो हमारा रफिंग करके हो जाएगा। ये रफिंग हो गया, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, रफिंग होने के बाद रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट किस से कटर करोगे, 16 कटर से। तो मेरे को 16 कटर से करना था, मैं 16 कटर से इसको रेस्ट कर दिया। 16 कटर में रेस्ट में जाएंगे तो आपको बाउंड्री पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मॉडल पे रेस्ट करना है, तो आपका स्टॉक मॉडल पे रेस्ट कर सकते हो। मैं कॉपी करके आपको एक दिखा देता हूँ। मैं क्या किया, 16 कटर लिया, बाउंड्री में आप लोग कोई नहीं चाहिए, इसमें आ जाएंगे ब्लॉक सेलेक्ट। फिर इसके बाद से इसमें आ जाएंगे, आपका स्टॉक सेम रहना चाहिए दोनों में, नहीं तो प्रोग्राम आपका ज़्यादा टाइम चलने लगेगा। सेम आपका टॉलरेंस दोनों सेम रहना चाहिए, टॉलरेंस स्टॉक दोनों सेम रहना चाहिए, कट आपको स्टेप और चेंज होते रहेगा आपका। बाउंड्री जाए रेस्ट पे, जब जाएंगे रेस्ट पे आपको क्या चाहिए, स्टॉक मॉडल तो सेलेक्ट कर दिया, कटर प्रोग्राम कौन सा हुआ गया बराबर। फिर आप उसका ऑप्शन में ये हम लोग डाल देंगे, उसके बाद बाकी जो सेटिंग से करने के बाद प्रोग्राम को कैलकुलेट कर देंगे। तब क्या होगा, हमारा 16 का भी प्रोग्राम बन गया। ये देख सकते हैं कि 16 का भी प्रोग्राम हम लोग रेस्ट कर दिया बस,
उसके बाद आ जाते हैं फिर दूसरा रेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेडियस है वो कितने का है, दो का, मतलब चार का रेडियस, दो दो का रेडियस है मतलब चार का कटर चलाना चाहिए। अभी मैं 16 का चलाया हूँ, 16 से डायरेक्टली सेमी फिनिशिंग नहीं चला सकता, तो इसकी वजह से फिर से रेस्ट किया हूँ किस कटर से, 8 के एंडमिल से। तो 8 का कटर का फिर सेम प्रोसेस वही यूज करोगे, आपका टॉलरेंस सेम रहना चाहिए, खाली कटर चेंज होएगा, बाकी जो सेटिंग उसमें की सेम कटिंग उसमें रहेगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि एंड मिल में ये ऑप्शन ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए मैं इसका भी वीडियो बनाया हूँ कि इसमें क्या डालना जाता है, आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसका भी रेस्ट का प्रोग्राम बन गया, ये हमारा रेस्ट का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आते हैं कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट क्यों चलाएं, क्योंकि हमारा रफिंग तो हो गया 3 कटर से, अब इसको अंदर सेमी फिनिशिंग चलाना पड़ेगा, तब फिनिशिंग चलाना पड़ेगा क्योंकि मेटल हमारा हार्ड है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे इसमें सेमी फिनिशिंग। सेमी फिनिशिंग में जाने के बाद सेटिंग्स में इसके जैसा जाएंगे, तो सेमी फिनिशिंग में मैं कौन सा कटर यूज किया हूँ, एंड मिल। ये देखो आप देख सकते हो मैं 8 का एंड मिल यूज किया हूँ। क्यों? और स्टेप ओवर में अरे थिकनेस में कम कर दिया, स्टेप अपना जो हमारा जेड का स्टॉक वो भी कम कर दिया और डेट अपर डाल दिया। ये हो गया हमारा सेमी फिनिशिंग। सेमी फिनिशिंग होने के बाद अभी इसमें क्या बचा हुआ है, जब हम सेमी फिनिशिंग कर दिए, सेमी फिनिशिंग करने के बाद हमारा मटेरियल इसमें कम हो जाता है। फिर मैं इसका स्टॉक ऑन कर दिया हूँ, अभी हमारा इसका स्टॉक ले रहा है, थोड़ा टाइम लेगा करने के लिए। तो अभी हमारा अभी क्या होगा कि हमारा सेमी फिनिशिंग चल गया तो हमारा मेटेरियल बहुत कम हो गया इसमें, अभी 0.2 का स्टॉक हुआ है और बाकी नीचे जो मेटल हमारा छूटा हुआ है वो रहेगा बाकी, और इधर भी मेटल इसमें नहीं रहेगा, सब मेटल हमारा रिमूव हो चुका है क्योंकि अभी हमारा ये सेमी फिनिशिंग चला। अभी सेमी फिनिशिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं कि सेमी फिनिशिंग का इसके अंदर मटेरियल सिर्फ इधर नीचे बच सकता है थोड़ा थोड़ा। क्यों? इसमें भी स्टॉक ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि इसमें अभी प्रोग्राम दूसरा सेलेक्ट किया हुआ है, मेरे को प्रोग्राम एक्चुअली ये सेलेक्ट होगा, जब ये सेलेक्ट होगा तो हमारा स्टॉक मॉडल चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि और कम हो गया, ये देखिए अब इसमें कुछ भी मेटल नहीं है, सब निकल चुका है, सिर्फ नीचे थोड़ा थोड़ा 8 के कटर का जो फ्लैट है वही छूटा हुआ है इसमें। ये हो गया अभी, उसके बाद मैं एक रेस्ट और छोड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें 2 का रेडियस है, हमारा इसमें कितने का रेडियस है, 2 का। हम लोग अगर 2 के बाद डायरेक्टली 8 का कटर चलाएंगे तो हमको ज़्यादा मतलब हमको टाइमिंग मतलब हमारा जो जॉब है वो फिनिश आना चाहिए, हम लोग कटर हमारा मशीनिंग टाइमिंग इसमें वो नहीं करता, हमारा मायने क्या रखता है कि जॉब हमारा फिनिश होना चाहिए। तो हम लोग 8 का, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्टली 4 का कटर चला रहा हूँ फिनिश के लिए। तो मेरा डायरेक्टली 8 के कटर के बाद अगर हम लोग 4 का चलाएंगे तो मेटेरियल ज़्यादा मिलेगा, और हमारा मायने इसमें नहीं रखता कि टाइमिंग कितना जाता है, हमारा फिनिश जॉब होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से 4 का इसमें रेस्ट मार दिया, 4 का रेस्ट चला दिया। 4 का रेस्ट चलाने के बाद इसमें सिर्फ स्टॉक ही बचा हुआ है और बाकी सब मेटल निकल चुका। फिर मैं क्या किया, इसमें डायरेक्टली सेमी फिनिशिंग चला दिया 4 का कटर से। जैसा 4 का कटर से चलाऊंगा तो इसमें एक भी मेटल नहीं बचेगा, सब मेटल निकल चुका रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 2 का रेडियस है वो बन गया, 4 के कटर से 2 का रेडियस बन गया, और बाकी इसमें हमारा फिनिश सब जगह हो गया, नीचे का भी मटेरियल चल गया, इधर भी हमारा प्रोग्राम जो जो सेप बना हुआ है वो भी मटेरियल निकल गया, तो सब मटेरियल इसमें निकल गया। अब बचा हुआ क्या है इसमें, अब इसमें मैं एक बॉल कटर चलाया हूँ। बॉल कटर क्यों चलाया हूँ, क्योंकि नीचे जो हमारा 4 का फ्लैट रहेगा वो हमारा यहाँ मीटर छोड़े रहेगा, इसकी वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बॉल कटर चलाना पड़ेगा। तब बॉल कटर चला देंगे, अब इधर बॉल कटर चला देंगे तो आपका बॉल कटर का मीटर निकल जाएगा। अब मैं स्टॉक मॉडल में जाके आपको मटेरियल भी दिखा देता हूँ, इसमें अभी मटेरियल कितना बचा हुआ है, तो देख सकते हैं कि मटेरियल इसमें सब कोई भी नहीं बचा हुआ, इधर थोड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इधर का जो एरिया है बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इधर बचा हुआ है मीटर हमारा। नहीं तो आपको अगर इधर कटर चलाना निकालना रहेगा तो आपको एक बॉल कटर एक का चलाना पड़ेगा, इधर 2 का एक का, तब आपका जाकर मटेरियल निकल जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कहीं भी मटेरियल नहीं दिख रहा है, जो हल्का रेड दिख रहा है ऐसा वो ग्राफिक्स का इशू है, इसकी वजह से दिख रहा है, बाकी सब जगह मटेरियल आपका निकल चुका हुआ है। ये देख सकते हैं अंडर कट इसके अंदर था ही नहीं कहीं, इसकी वजह से अंडर कट का था ही नहीं, तो इसकी वजह से सब जगह मटेरियल इसमें निकल चुका है। तो आपको अगर 3D प्रोग्रामिंग करना रहेगा तो आप इस तरह से बनाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप इस तरह से बनाओगे, तो आपका कहीं भी कटर टूटने का चांस और आपका जो मेटल है वो सब निकल जाएगा अच्छी तरह से, कटर भी नहीं टूटेगा और जॉब जो भी आपका फिनिश एकदम अच्छी तरह से बन जाएगा। ऐसा इस तरह से बनाया। अब हमको इसको क्या करना है कि सिमुलेशन करके देखना है। क्यों सिमुलेशन करके देखना है? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है बराबर है क्या, कहीं प्रोग्राम घुस तो नहीं रहा है, वो हमको देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन में जाना पड़ेगा इस सर। सिमुलेशन में जाने के बाद और पहला रफिंग का प्रोग्राम को ऑन कर देंगे, और ऑन कर देंगे तो हमारा रफिंग का प्रोग्राम बनेगा और इसमें सिमुलेशन करके हम लोग देख लेंगे कि अगर किधर भी सिमुलेशन में अगर रेट दिख रहा है मतलब हमारा प्रोग्राम उधर घुस रहा है। ऐसा अभी हमारा सिमुलेशन हो रहा है, होने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा भी सिमुलेशन हो गया, सिमुलेशन करने के बाद देख सकते हैं हमारा सब इसमें जितनी भी स्क्रिप्ट दिख रहा है सब इसमें दिख रहा है, आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं कि हमारा जितने भी टाइप का कटर चलता है, बॉल कटर चला, बॉटम का बॉल वो अलग दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है,
इसमें देख सकते हैं इसका जो है नेटवर्क डाटा सेव दिया है, मतलब हमारा जॉब जो है प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है, किधर भी रेट नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा फिनिश है जो फाइल जो चाहिए हमको वो मिल गया, मतलब हमारा प्रोग्राम बहुत ओके बना हुआ है सब, ऐसा हमारा फिनिश हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अगर आपको डेली प्रोग्रामिंग करना रहेगा तो आप इस टाइप से चलाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है आपको समझ के बनाएंगे, आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरह से बनेगा और चलेगा भी इस तरह से, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा आपको ये वीडियो सब समझ में आ गया रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।